हेलो गर्ल्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉपर कुर्ती की कटिंग कैसे होती है, कैसे हमें शोल्डर लेना है, कैसे आर्म होल लेना है और कैसे हमें फर्स्ट टाइम में ही प्रॉपर फिटिंग मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सारे कुर्ती के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कुर्ती की फिटिंग फर्स्ट टाइम में परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्डेड फैब्रिक कर लिया है, आगे और पीछे का पार्ट साथ में काटेंगे। तो यहाँ पे एक बेस लाइन बना ली है पहले मैंने इस तरह, ताकि इस लाइन से मैं सारी लेंथ वाले मार्किंग करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल की लेंथ मार्क की है, 40 चेस्ट के हिसाब से मैंने 8.5 इंच पे मार्क की। अगर आपकी कम है तो आप कम मार्क कीजिए, मैंने जैसा कि लिख के बता दिया। फिर यहाँ पे वेस्ट लेंथ का मार्क कर दिया, फिर सीट लेंथ का मार्क कर दिया है 21 इंच। अब हम यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है वो चेस्ट वाली लाइन में हमने मार्क कर दी, ये जो वेस्ट वाली लाइन है और ये सीट वाली लाइन है, हमें तीनों लाइन से सीधी लाइन खींच के रेडी करना। फिर चेस्ट वाली लाइन से हम चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ मैं 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर वेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन पर सीट का चौथा भाग प्लस 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये सारी मार्किंग को शेप से मिला देंगे। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले लंबाई वाली सारी मार्किंग की, उसके बाद सारी चौड़ाई वाली मार्किंग कर लेनी है। तो अब आती है शोल्डर की बारी। तो इस पॉइंट से हमें शोल्डर का माप रख लेना है, शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच। दोनों लाइन से हमें शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच पर मार्क करके इस तरह दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। फिर हम इस लाइन का आधा करेंगे, ये हमारी आर्म होल की लेंथ है तो इसका हमें सेंटर पॉइंट बनाना है आर्म होल्स बनाने के लिए। फिर इस तरह से हम आर्म होल बना देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आर्म होल की मार्किंग, ये जो फिंगर आपको मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई, वहाँ पर जॉइंट होनी चाहिए। मतलब 2 इंच अंदर से 2 इंच जो सिलाई का मार्क किया है उसे अलग छोड़ देना है और फिर आर्म होल की मार्किंग करनी है। फिर हमने 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया और 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले ली। फिर शोल्डर स्लोप हम मिला लेंगे। अगर आपने अपना आर्म होल 2 इंच बाहर वाले मार्किंग से मिलाया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो अब हम बना देंगे 1/2 इंच का पीछे का गला। ये चौरस गला आपको दिख रहा है वो 1/2 इंच बनाया है और हम इस तरह से बाहर के मार्किंग से कट कर लेंगे। 2 इंच जो सिलाई का एक्स्ट्रा लिया उसे बाहर अलग से ही छोड़ना है, उसको आर्म होल में नहीं मिलाना है। वो पॉइंट को अलग निकाल के हमें आर्म होल्स ड्रॉ करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है। फिर एक पार्ट हमने कटिंग करके एक पार्ट हमने अलग कर दिया और एक पार्ट में हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर आपको अपनी फ्रंट विड्थ मापनी होगी, जैसा कि आपने पिक में देखा, और सेंटर से हम फ्रंट विड्थ ले लेंगे। फ्रंट विड्थ का आधा प्लस आधा इंच पे मार्क करके फ्रंट का आर्म होल इस तरह ड्रॉ करना है और यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरह गला बना लेना है। अगर आपको चाइनीज़ कॉलर बनानी है एकदम गले के नज़दीक तो आप यही गला रखिए, और अगर आपको फ्लैट कॉलर बनानी है यानी कि थोड़ा खुला गला बनाना है तो आप आधा इंच अंदर से, आधा आधा इंच अंदर से यानी कि आधा इंच नेक विड्थ से भी बनाना है और नेक की डीपनेस में भी बढ़ाना है और इस तरह से कट कर देना है फ्लैट कॉलर के लिए। फ्लैट कॉलर थोड़ी लूज़ होती है और जो हमारी चाइनीज़ कॉलर होगी वो एकदम गले के नज़दीक आएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का आर्म होल कट कर लिया है, जैसे कि मैंने फ्रंट विड्थ वो बताया। आप उस तरह से फ्रंट विड्थ लेके आर्म होल काटोगे तो जो आपकी आगे की फिटिंग होती है वो हमेशा परफेक्ट आएगी। और 2 इंच जो साइड की सिलाई ली थी उसे अलग ही रखिए दोनों आर्म होल बनाते वक्त, तो परफेक्ट आएगा। यहाँ पर हम लेंगे नेक का डीपनेस, तो नेक की डीपनेस 7-8 इंच ली है। यहाँ पर इस तरह शेप देके हमें कट कर लेना है। तो इस तरह शोल्डर स्लोप और आर्म होल देके आप जब कट करोगे तो आपका जो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। बस आपको आर्म होल ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है कि 2 इंच जो सिलाई है वो बाहर की तरफ रहे, उसको आर्म होल के साथ नहीं मिलाना है। आर्म होल को 2 इंच अंदर से ड्रॉ करना है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक। तो इस तरह से दोनों आर्म होल में इतना डिफरेंस आ रहा है, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट हमारा आर्म होल जो है वो आर्म होल में फिट बैठेगा और चेस्ट जो है चेस्ट में फिट बैठेगा। तो फ्रंट और बैक कटिंग हो गई। अब बात आती है स्लीव्स की।
तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पे 4-fold फैब्रिक हमें रखना होगा। लेकिन स्लीव की कटिंग करने से पहले हम हमारी जो कुर्ती का आर्महोल है उसे मापेंगे, क्योंकि स्लीव तो इसी में जोड़नी है हमें। तो इस तरह हमें रख के आधा इंच जो शोल्डर की सिलाई में जाएगा वो हम इस तरह दबा देंगे, और एक एक पैर अंदर से यानी कि आर्महोल के आधा आधा इंच अंदर से हम शोल्डर सॉरी आर्महोल मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, और जितना आएगा उतना हम स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्लीव का लेंथ का मेजरमेंट जो है वो सॉरी आर्महोल का जो मेजरमेंट आपने निकाला वो लिखना है, स्लीव लेंथ लिखना है और स्लीव का राउंड लिखना है। तो यहाँ पे स्लीव लेंथ मैं इस तरह से रख रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 4-fold फैब्रिक किया, फोल्डिंग साइड पे स्लीव लेंथ का मार्क कर लिया, बाएँ की लंबाई का मार्क किया, फिर कैप हाइट हमें मार्क करना है। कैप हाइट हम कैसे मार्क करेंगे, जितनी हमने कुर्ते में आर्महोल की लंबाई रखी थी जो 7 से 8 इंच हमें आर्महोल बनाने के लिए चाहिए उसका आधा हम कैप हाइट में रखेंगे और इस तरह से सीधा बढ़ा देंगे कैप हाइट की लेंथ को। जो हमने मापा था आर्महोल मेजरमेंट कुर्ती में से उसका हम आधा रखेंगे इस तरह। कॉर्नर पॉइंट पर हमें 10.5 रखना है, मेरा 21 आया था तो मैं 10.5 रख रही हूँ, और नीचे की तरफ जो 2 इंच है वो हम जो कैप हाइट है यानी कि सी पॉइंट से जो बीच वाली लाइन जा रही है उससे 2 इंच नीचे रखना है, बाकी जितना बचेगा। टोटल मेरा 21 आया तो 21 का आधा 10.5 रखा और 2 इंच 10.5 में से ही नीचे रह गया और ऊपर 8.5 बचा है जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम ऊपर की जो मार्किंग है ऊपर का जितना इंच बचा हमें उसका हाफ करके सेंटर पॉइंट लगा लेना है। ये सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे पीछे का आर्महोल का स्लीव्स का आर्महोल ड्रॉ करने के लिए। अब हम ये जो 2 इंच नीचे गया था उसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और नीचे से बाएं की गोलाई आपने जहाँ से बाएं की लंबाई मापी है जहाँ तक मापी है वहीं से बाएं की गोलाई माप के आपको रेडी रखना है। यहाँ से बाएं की गोलाई ले लेंगे और इस तरह शेप बना देंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि बोट नेक की कुर्ती की ड्राफ्टिंग भी हम इजीली कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ से हमने बार की मार्किंग से कट कर लिया, सेंटर पॉइंट बना लिया। अब स्लीव को खोलेंगे और खोलने के बाद एक तरफ हम दोनों बाएं के एक एक तरफ हम जो फ्रंट का आर्महोल है वो काट लेंगे। तो ये हमारी आ गई हो गई कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग पूरी, यानी कि पीछे से जब बंद गला चाहिए तो आप ये कटिंग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और बोट नेक में भी यही कटिंग हम यूज़ करेंगे। और डीप नेक वाले की थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं दूसरे टाइम वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि बोट नेक वाले की कुर्ती की कटिंग कैसे होगी इसी में से। तो यहाँ पर मैंने सेम कटिंग सेम इसी को रख के कटिंग कर लिया है और अब हम इसी में चेंज करेंगे। तो सेंटर से हम 4.5 से 5 इंच गले की विड्थ ले सकते हैं जितना ब्रॉड चाहिए, या फिर आप अपना शोल्डर माप सकते हैं कि शोल्डर 2 से 3 इंच जितना चाहिए उतना रख के हम गले की डीपनेस पे यानी कि गले की डीप हम 4 से 4.5 इंच तक बोटनेक में रखते हैं तो हम इस तरह मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई बढ़ाई और गले की डीपनेस थोड़ी सी बढ़ाई। ध्यान रखिए कि 5 इंच से ज़्यादा डीप गला नहीं करना है बोटनेक में, और यहाँ पर हम शोल्डर से भी माप लेके आराम से कट कर सकते हैं। तो अब अपने आप हमारा शोल्डर डाउन वगैरह सब सेट हो गया, इसी में से हमें यही कटिंग रख के हमें कट करना होता है। आप इसका पेपर कटिंग भी बना के रख सकते हो और आपको जो कुर्ती चाहिए वो कुर्ती आप बना सकते हो। पीछे से बंद गले में यानी कि पीछे से 5 से 6 इंच तक का गला हो तब तक आप ये कटिंग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पीछे के गले में भी नेक ड्रॉ कर लेते हैं। पीछे का गला आगे से 1/2 इंच कम करेंगे, शोल्डर सेम रहेगा बस डीपनेस थोड़ी सी 1/2 इंच कम होगी पीछे की गले की आगे से।
तो ये कटिंग हो गई बोट नेक की। इसे इसका अगर बोट नेक का कुर्ती बना के अगर हम पहनेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कुर्ती की कटिंग और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉलर कैसे अटैच करनी है हमें इस कटिंग, जो पहले कटिंग की हमने उसमें हमें फ्लैट कॉलर कैसे कटिंग करनी होती है और स्टिचिंग करनी होती है। तब तक के लिए बाय बाय।